मशीन आ गई है, और इस मशीन के अंदर जो कस्टमर का कहना है वो ये है कि हमारा, हम जब मशीन को यूज करते हैं, चलाते हैं मशीन को, तो इसमें ऑयल जो है चेन के अंदर नहीं आता, और चेन के अंदर ऑयल जब नहीं आएगा तो चेन सूखी चलेगी, और सूखी चलने से चेन खराब हो जाएगी, उसके साथ में उसका गाइड बार जो पत्ता है वो भी खराब हो जाएगा, और इसकी गिरारी भी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्लच प्लेट भी खराब हो सकती है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारा नुकसान इस मशीन के अंदर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी मशीनें भी यही दिक्कत आ रही है, अगर आपको ऑयल नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, सिंपली ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही कम टाइम में आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें मशीन लेनी होगी, और हमें एक हैमर की जरूरत होगी, और साथ में से ठोकने वाले की जरूरत होगी, कुछ भी आप किला ले सकते हो, और हमें क्लच प्लेट के ऊपर राइट साइड के ऊपर ऐसे मारना है हमें, थोड़ा सा चोट वोट खानी पड़ेगी क्योंकि ये हार्ड होता है, चलते चलते बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया है, और ये मैं बता दूं आपको, जब ये आप खोलो तो ये उल्टा खुलेगा, जैसे अदर हम चूड़ियां खींचते हैं तो वो होती है सुलटी राइट साइड में, और इसका जो है वो उल्टा खुलने वाला है, ये ध्यान रखना आप। और इसके बाद में हमने इसका वाशर निकाल लिया, क्लच ड्रम निकाल लिया इसका, उसके बाद में आती है गिरारी जो कि थोड़ी घसी हुई है और लेकिन चल जाएगी, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद में आता है बेरिंग, बेरिंग भी हमें साइड में रखना है। इसके बाद में जो काम है हमारा, पेचकस की मदद से हम ऐसे निकाल लिया इसको, और इसके बाद में इसको हम चेक करेंगे, इसके जो दांते हैं, जो चूड़ियां हैं इसकी, वो बिल्कुल सेफ है या नहीं है। तो चूड़ियां बिल्कुल सेफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो गिरारी है ये बिल्कुल सही है, इसको हम दोबारा यूज में ले सकते हैं, तो इसको भी हमने साइड में रखना है। इसके बाद में हमें जो तीन स्क्रू नजर आ रहे हैं, बस तीन स्क्रू खोलने हैं, और इसके लिए स्पेशल हल्की आती है, ऐसे आप यूज हल्की ले सकते हो, इसका साइज जो है 3 mm होता है। बहुत सारे कस्टमर हमसे पूछते हैं ये हल्की कहाँ मिलती है, तो आप किसी भी टूल शॉप पे जाओगे तो आपको ऐसी हल्की और ऐसी हल्की दोनों मिल जाएगी, आपको काम को आसान बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार है, आप इसको ले सकते हो। और इसके बाद में हम जो इसको नट को ओपन करेंगे, तो चलिए आपके सामने ओपन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि जो ऑयल की दिक्कत है वो क्यों आ रही है, ऑयल क्यों नहीं आ रहा। तो दो नट जो है हमने खोल लिए आसानी से, और ये नट भी हमें खोलना है, तो ये भी हमने खोल लिया। तो इसके बाद जो आप देखोगे, इसके बाद जो है हमारा पंप आपको नजर आ जाएगा, और ये पंप का काम होता है ऑयल को ऊपर की तरफ लेके आना, और जो ऊपर की तरफ ऑयल आएगा आएगा वो ही हमारे चेन के अंदर ऑयल आएगा, और वही जो ऑयल है वो गाइड बार को चिकना रखेगा, घिसेगा नहीं, चेन अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी, और लंबे टाइम तक चेन खराब नहीं होगी, ज़्यादा लकड़ी काट पाएगी, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अब इसको भी हमने खोल लेना है। तो ये हमने पंप को निकाल लिया। अब पंप को निकालने के बाद में आपको नजर आ रहा है कि ये जो किल्ली है ये निकली हुई है, निकलने का मतलब ये है कि इसका पंप जो है वो खराब हो गया है। अगर बार बार आपकी ये प्लास्टिक वाली गिरारी आप अगर सही है और फिर भी ऑयल नहीं ले रही, तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है कि इसका पाइप चेक करना है, ऑयल वाले टंकी के अंदर पाइप होता है वो पाइप आपको साफ करना है, फिर भी ऑयल नहीं आए तो आपको ये प्रोडक्ट जो है ये ऑयल पम्प बोलते हैं इसको, चेंसा जो लगता है ये ऑयल पम्प आपको मार्केट से लेना है, और ये सेम का सेम आपको लेना है, दूसरा मत लेना, ये आपको निकाल के और दूसरा नया ऑयल पम्प डालना है। तो सबसे पहले हमें नया ऑयल पम्प की लाना होगा, और आपके सामने हम लेकर आएंगे, फिट करेंगे, आप एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं बाकी इसके अंदर और क्या दिक्कत है, तो इसके अंदर हमें कोई और दिक्कत नजर नहीं आ रही, और जब भी आप ओपन करो इसको तो इसकी ये सील जो है ये चेक कर लेना, क्योंकि ये खराब होती है कभी कभी, तो ये भी आपको पता लग जाएगी, ये सील बिल्कुल सही है। तो अभी हमें नया पंप जो है वो इंस्टॉल करना है इसके अंदर, तो इसके लिए हमें एक नया पंप की जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, ये पुराने वाला ऑयल पंप है, हमने नया ले लिया है, अब इसको करना है इंस्टॉल, और ये नया वाला पंप हम इंस्टॉल करेंगे, आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है और ध्यान से देखना है कौन सा मशीन के अंदर हम ऑयल कैसे चेंज करें। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपने देखा है ये पाइप में लगता है, और ये नीचे की पाइप में लगेगा, आपको ये बिल्कुल सीधा नजर आएगा, ये समझ लेना कि आपका जो अंदर वाला पाइप है जो टंकी के अंदर जाएगा ये इसके अंदर लगने वाला है, और ये जो पाइप है ये उस ऊपर वाले के अंदर लगना है।
तो ऐसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ये हमने इंस्टॉल कर दिया और ये पाइप जो है हमारा ये ऊपर की तरफ ऐसे लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली सिर्फ इसका स्क्रू जो है, दो स्क्रू वो आपको ऐसे यूज करने हैं, लगाने हैं, और आप आसानी से लगा सकते हो। अब बारी आती है हमारे दूसरे स्क्रू की, तो दूसरा स्क्रू भी हम अभी लगाने जा रहे हैं। तो दूसरा स्क्रू भी हमने लगा दिया है। अब हमारा जो पंप है वो नया वाला इंस्टॉल हो चुका है, और अब इसके ऊपर बारी आती है हमारे इसकी सेफ्टी की, ये भी हमने लगा दिया। इसके जो स्क्रू होते हैं वो तीन होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये तीनों नट लगाने होंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो चलिए दोस्तों, हमने ये जो है पंप इंस्टॉल कर दिया है। अब बारी आती है हमारे इसके प्लास्टिक वाली गिलहरी लगाने की, तो सिंपली हमें प्लास्टिक वाली गिलहरी लगानी है, इसकी ज़्यादा वो बात नहीं है। आप इसके बाद में, गिलहरी के बाद में आपको वैसे ही बेरिंग डालना पड़ेगा जैसे आपने निकाला है, और इसके बाद में बारी आती है क्लच ड्रम की। तो क्लच ड्रम डालने से पहले गिलहरी को ऐसे डाल लें आप, ऐसे गिलहरी डालने के बाद में इसको बिल्कुल सिंपली लगाना है। अब बारी आती है इसके वॉशर की, अब बारी आती है इसके क्लच ड्रम की, सॉरी क्लच प्लेट की बारी आती है। तो इसको मैं ऐसे उल्टा खींचना होगा, उल्टा खींचने, तो ये हमारा हो गया टाइट। अब हमें चेक करना है इसके अंदर ऑयल कितना बचा है कितना नहीं, ताकि हमें पता लग पाए कि इसकी मदद से आपको ये ढक्कन खोलना होगा, अगर ज्यादा टाइट हो तो खोल सकते हैं, वैसे हाथ से भी खुल जाएगा ये। तो अभी हमें चेक करना है इसके अंदर ऑयल, तो ऑयल की बात हो तो ऑयल इसके अंदर आधी टंकी बना हुआ है, और इसके पाइप को हम बिल्कुल सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो है इसको बिल्कुल अच्छे से लगा देंगे। ये हमने वापस लगा दिया, ऑयल भी हमने चेक कर लिया इसके अंदर। अभी हमें इसको टेस्ट करना है कि ये सही से ऑयल दे रही है या नहीं दे रही, तो सबसे पहले हमें इसको स्टार्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, टंकी जो ही इसकी जो टंकी जो थी ऑयल वाली, इसके अंदर पूरा ऑयल नहीं था, तो हमने पूरा ऑयल डाल दिया है, टंकी को कर दिया है फुल। अभी बारी आती है इसके चेक करने की, हमारा ऑयल सही से काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, और इसको हम बंद कर देते हैं। टंकी फुल हो गई हमारी, ना बो पाइप ड्रीम पॉइंट तेल हो ही बंद हो जुद को नहीं आओ वो नहीं आओ हमारे पास तेल को नहीं एक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने ऑयल पंप डाल दिया, गिलहरी डाल दी, और लोहे वाली गिलहरी जो चैन चैन जिसके ऊपर चलती है वो डाल दी, और इसके बाद में आप रिजल्ट देख सकते हो, हमारा ऑयल की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल एकदम से खत्म हो गई। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम मिले तो आप इस वीडियो को देख के उस सीख सकते हो, ठीक कर सकते हो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताएं। और आगे कोई और जानकारी आपको चाहिए, अगर आपको कोई चेंज मशीन में दिक्कत आ रही है
तो आप ये हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो हम स्पेशली आपके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इतने अच्छे से बनाएंगे कि आपको बिल्कुल एक वीडियो एक बार देखने के बाद में वो चीज़ आप सीख जाओ। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।